बैक टू माई अनदर व्लॉग। आज का आपका ध्रुव सिंह व्लॉग्स आ गया है रिटर्न आपके लिए। अब से डेली व्लॉग्स आने वाले हैं और मैं आ गया हूँ रिटर्न आपके लिए। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए गुड मॉर्निंग आप लोग को, और आप लोग चैनल पे न्यू हो मुझे पता है तो एक बार लाइक भी कर देना, जो ओल्ड है वो सब अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना और चैनल पे एक बार सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मैंने आप लोग को जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होता उस दिन वो बात बताया था कि व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, वही सेम थिंग अभी भी हो रही थी, कल जाके फिक्स हुई है और आज हम एक अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। यस, आई वांटेड बस वो जगह बंद ना हो, क्योंकि मेरे साथ ही हमेशा होता ही है कि जगह बंद निकलती है। तो चलो फटाफट देखते हैं, पहले अभी तो देखते हैं रुद्र कुछ बना रहा है वो देखते हैं, और आप लोगों को चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। तो चलो फटाफट देखते हैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं। तो गाइस ये देखो, ये रुद्र डोसा मस्त प्लेन डोसा बना रहा है मेरे लिए और मम्मी के लिए। पेपर डोसा बना रहा है एक नंबर। इट्स मेड बाय रुद्र, हाथ भी छोटा है देख लो, उसने टी शर्ट नहीं डाला इसलिए मैं उसको दिखा नहीं रहा हूँ। तो एक बार रुद्र बनाते हुए मस्त, मतलब इसी बात पे एक बार लाइक हो जाए। हाँ, एक लाइक कर दे इसी बात पे बोल रहा हूँ। मौसम बिगड़ चुका है पूरा, मैंने सोचा था जाने के लिए तो बारिश चालू हो गई फिर से, मतलब जाने देना नहीं चाहती बारिश, मैं कहीं भी जाने का सोचूँ बारिश हमें रोक ही देती है। तो देखते हैं अभी बारिश जैसी बंद होगी वैसे निकलते, और क्या 5 बजे समथिंग तक निकलना है। वैसे भी हम लोग को अभी 2:30 बज रहे हैं, या तो बस कुछ खाने के लिए गया था, उधर डोसा खिला दिया थोड़ा, उससे पेट भर गया, कुछ मेरे को नाश्ता ऐसा था दुकान में यार, कुछ खाऊँ वगैरह फिर आऊँगा बिस्किट वगैरह। तो चलो चलते हैं, बारिश स्लो हो रही है, फास्ट ना हो जाए, बस मेरा प्रे ये है कि फास्ट ना हो। रुद्र ने नया PC लाया, मतलब नया ये लाया है पूरा, ये मतलब कीपैड और एक माउस, तो दोनों उसको 700 में पड़ा। तो दोनों का फीडबैक चेक करने के लिए आज मैं बैठा हूँ चलाने के लिए। रुद्र तो सोया हुआ है तो उससे पूछे कैसे कैसे क्या क्या, इसका रीसेट करना पड़ा PC मेरे को एक बार, देखते कैसा चल रहा है सब। चलने में तो टाइपिंग वर्ड्स तो एकदम ईजी, मतलब स्मूथ लग रहे पूरे, शिफ्ट भी बराबर है, बैक स्पेस भी, नंबर वगैरह भी सब बराबर है, एंटर का मेरे को बताने में मज़ा आता है, और यहाँ पर ये माउस भी सही चल रहा है जहाँ तक है। तो चलो एक बार चला के देखते कैसा चलता है, बताते हैं आपको। अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो मैं निकलने का सोच रहा हूँ, अभी अगर अभी निकलूँगा तब जाके पहुँच पाऊँगा। पहले मैंने सिनेमैटिक्स लगाने के लिए वहाँ पे ऊपर सामान रखा था वो निकाल लेता, उसको एग्जाम पैड रखा था उसके ऊपर स्टेबल करके इसको रखा था, और ये टेबल लाया था कि टेबल के ऊपर चढ़ के वहाँ पे स्टेबल करूँगा, पर जाकर उसको निकाल लेते भाई, इसको यहाँ से हटा देते पहले, अब इसको दे देते घर में। अरे रुद्र नहीं नहीं हम दोनों जा रहे। ओ भाई बच्चा गिर गया गिर गया गिर गया अच्छा गिर गया। तो अभी हम लोग निकलते हैं फटाफट, ये हिल रहा बहुत है, हाँ अभी सही है। तो चलो निकलते हैं, जिसका साइकिल यहाँ पे से पैक पड़ा है और मैं जाके अपना साइकिल लेकर आता हूँ फटाफट। मेरी साइकिल में दूसरी जगह खड़े खड़े कर आ जाता ना, जाके उसको फटाक से लेकर आते हैं। बाल में मतलब पानी गए, और मैंने फ़ोन के लिए प्लास्टिक ले लिया कि मतलब फ़ोन में बारिश अगर आ गया तो फ़ोन को लगा देंगे वहाँ पर। तो चलो इसकी साइकिल निकालते, तब तक मैं अपनी साइकिल लेकर आता हूँ। इसे आज अपना रेंज रोवर हम लोगों ने निकाल लिया और अभी हम लोग लेके निकल रहे फटाफट। तो मैं ज़्यादा व्यू नहीं दूंगा रोड का, क्योंकि बिकॉज आप लोग ने पहले वो जगह देख चुकी है और वो गार्डन नहीं देखा, इसलिए मैं आप लोगों को गार्डन दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो पहले साइकिल लेके चलते हैं वहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। तो गाइस अभी मैं निकल रहा हूँ, आप लोगों को मैं ये बता रहा कि आप लोग वो जगह पर एक बार जा चुके हो, सेकेंड टाइम फिर से हम लोग जा रहे हैं, बस वो कुलछेद खाड़ी के पास में है। मैं आप लोग को रास्ते का थोड़ा ही व्यू दूंगा, थोड़ा सिनेमैटिक दिखाऊंगा, और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक करना एक बार। यहाँ से साइकिल लेके निकल चुके हैं और पीछे एक साइकिल आ रही है, और ये दो साइकिल जा रही है फटाफट, और आपको बीच में सिनेमैटिक दूंगा बस, उसके बाद डायरेक्ट आपको ड्राइव वहाँ पे ट्रांसलेशन दूंगा, डायरेक्ट खाड़ी पे चलते, पहले बीच में एक सिनेमैटिक ले लो। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी दूर तक पहुंच गए यहाँ पे, और यहाँ के थोड़ी मूवमेंट अच्छी हो रही थी, और मैं अभी रेस्ट यहाँ पे रुका हूँ बिकॉज थोड़ा सा थक गया था, मतलब यहाँ पे रेस्ट करते फिर निकलते। और गाड़ी की वजह से आवाज़ अगर थोड़ी कम आ रही है, जैसी गाड़ी आती है मैं चिल्ला देता हूँ। तो यहाँ पे एक मंदिर भी था उनका, तो हमने पैर भी पड़ लिया मस्त, फिर मंदिर का पैर पड़ के भी हम लोग निकल रहे यहाँ से। अब डाले आपको कुछ खाड़ी के गार्डन में मिलते हैं। तो गाइस अभी एक अंकल मुझे मिले थे, और जब मैं वो सिनेमैटिक शूट कर रहा था दूसरा वाला,
तो अंकल मेट्रो के समथिंग अंदर तो काम करते, उन्होंने मुझे पूछा कि यहाँ पे आओ, तुम्हें डर गया? मैंने क्या किया, तो मैं उनके पास गया, तो मैंने उनको पूछा, उन्होंने मुझे पूछा कि आप वीडियो ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हो? बोला हाँ मैं ब्लॉग्स बना रहा हूँ। तो बोलते कि मैं बोला कि आपको ले लूँ ब्लॉग में क्योंकि आपने मुझे पूछा? तो बोलते नहीं यार थोड़ा ब्लॉग में मत लो, किसी किसी को मतलब ब्लॉग मतलब कैमरे में आना डर लगता है, और डरने मत, किसी किसी पर्सनल होता है, जान दो छोड़ो। पर अंकल ने मुझे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने तो पूछा कि भाई क्या कर रहे हो पहली बार? भाई आप लोग का फैमिली का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहे, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। तो चलो चलते हैं पहले कुलचे खाड़ी। तो गाइस जिसका इतना दिन से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई, और मैं जा रहा हूँ मस्त इसके अंदर, वो भी साइकिल लेके गार्डन के अंदर। बहुत सही व्यू मिलने वाला है गार्डन के अंदर, वाओ अब मज़ा आएगा इसके अंदर। सो गाइस जिसका इंतज़ार था अब हम गार्डन में आ चुके हैं, बहुत ही गार्डन में आते बहुत अच्छी वाइब मिल रही है। और भैया ने बोला कि साइकिल लगा दो आप लोग बाहर, लाना अलाउड नहीं है साइकिल, तो साइकिल हम लोग पहले बाहर लगा देते, और लॉक तो है नहीं, पर वैसा भैया के सिक्योर के सामने लगाएंगे, इधर लगा देते कि भैया देखते भी रहेंगे साइकिल को लेकर ना जाए, इधर मस्त साइकिल लगा दे, तो उधर भैया बैठे वॉचमैन अंकल वो देखेंगे इसको। तो चलो चलते अंदर। सो गाइस दोनों के साइकिल यहाँ पे पार्क हो चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे गार्डन की तरफ। बहुत सही मज़ा आने वाला है यार आज, जिसका मुझे इंतज़ार था, इसके लिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए कितना थक गया हूँ पता है क्या, यहाँ आने के लिए कि मैं बनाऊँ कुछ तो नया दिखाऊँ आप लोग को। तो चलो दिखाते हैं। सो गाइस ये गार्डन का एंट्रेंस है पूरा प्रॉपर, देखो यहाँ से एंट्रेंस स्टार्ट हुई है, यहाँ पे वॉचमैन अंकल बैठे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते घूमना इसके अंदर, देखते क्या क्या है, कैसा कैसा है सब कुछ। तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है आज, देखते हैं। वाह यहाँ पे सीट्स भी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे लकड़ी के सीट्स है, ऐसा लकड़ी के जैसा लगाया है इसको, पर ये मार्बल है, ऐसा लग रहा है लकड़ी का है, पर ये पूरा मार्बल है, प्रॉपर मार्बल है, और हम लोग को लग रहा है कि लकड़ी का है, पर बहुत सही दिख रहा है नेचर के लिए। और यहाँ पे ऐसे लाइट्स भी जहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। तो फटाफट चलते अंदर, क्या हरियाली है भाई कसम से, बहुत सही हरियाली है, और बहुत लंबा गार्डन है, तो चलो चलते हैं। सो गाइस देखिए एक्वा पंचिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं इस पे, सो सैंडल निकल के जाना होता है एक्चुअली, तो एक काम करते हैं यहाँ पे सैंडल निकालते जाके एक बार रिटर्न आते। सो गाइस हम लोग इस पे चल रहे हैं, वाओ लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसको चलने में, इसको सुबह सुबह एक्चुअली चलना चाहिए, पर हम दोपहर को चल रहे हैं, सही लग रहा है, एकदम सही लग रहा है कसम से। इतना अच्छा गार्डन ना मैंने कहीं नहीं देखा था भाई, कसम से बता रहा हूँ, ये थाने का मेरा फेवरेट गार्डन हो गया, मतलब मोस्ट फेवरेट। पहले तो नीलकंठ था, वो भी मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब इसके अभी उसको भी अपडेट कर दिया कुछ तो उसको भी अपडेट कर दिया। और यहाँ पे सैंड भी है मतलब खेलने के लिए, पर ये बारिश की वजह से सैंड थोड़ी ख़राब हो चुकी है, ये इसमें धूप में खेलने मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग फटाफट इस पर चल रहे भाई, थोड़ा चुभ रहा है और कुछ नहीं, चलो फटाफट मस्त चलते। फिर से हमने सैंडल वहाँ पर रखा ना, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ेगा सैंडल लेने। तो गाइस मेरा यहाँ ब्लॉग बना बना के स्टोरेज फुल हो जाएगा, पर ये नेचर कवर नहीं होगी, इतनी अच्छी नेचर है यहाँ पे, लिटरली बता रहा हूँ आप लोगों को, बहुत सही लग रहा है इसका नेचर। और यहाँ पे फुटबॉल खेलने के लिए मतलब वॉलीबॉल खेलने के लिए ग्राउंड भी बनाया है, अब इसका गेम का नाम प्रॉपर मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मेरे से मिस्टेक हो रहा था, इसलिए सॉरी, ये गेम का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा वॉलीबॉल क्या है, पर ये खेलने के लिए मस्त प्रॉपर एक ग्राउंड बनाया है। और आगे बहुत लंबा गार्डन है, बहुत मतलब बहुत दूर तक जाना है हम लोग को, तो देखते चलो फटाफट। और व्लॉग अच्छा लग रहा तो एक बार लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करके सब्सक्राइब करवा देना। तो चलो चलते हैं आप लोग आगे और नेचर दिखाते हैं। वहाँ तक तो पूरा मतलब गेम वगैरह थे और झूले वगैरह थे, यहाँ पे पूरा मतलब गार्डन है, पूरा गार्डन मतलब पूरा प्लांटिंग वगैरह जो भी है सब कुछ सब है, कसम से गाइस बता रहा हूँ, लिटरली इतना मज़ा आ रहा है इधर पे, देखो आप लोग बहुत सही लग रहा है मेरे को, देखो आप लोग एक बार नेचर का मज़ा लो। तो देखो आप लोग कितना सही लग रहा है, मैं सबसे बता रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली इतना बड़ा गार्डन, मतलब बहुत दूर तक, अभी आप लोग इसमें कैमरे में भी नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, इतना बड़ा गार्डन है, यहाँ पे जाके फाइनली ख़त्म हुआ भाई, ये इसका दी एंड है, इसके दी एंड पे
बाय बाय दी एंड, ये दी एंड में इतना छोटा सा ऐसा बना दिया है। तो अभी इतना दूर जाके इसका दी एंड हुआ, मतलब बहुत लंबा गार्डन है, बहुत ज़्यादा बड़ा गार्डन है। अगर आप लोग थाने में आओगे तो एक बार यहाँ पे आके विजिट ज़रूर करना, बहुत सही गार्डन है। तो चलो फटाफट चलते हैं, और आप लोग को पता ही है कहाँ पर है, कुलचित खाड़ी के पास में। तो आप लोग एक बार ज़रूर आके चेक करना, कितना मस्त और कितना पीसफुल गार्डन है। सुबह वॉकिंग जो करते हैं उनके लिए है, और मतलब जो भी नेचर्स के लवर्स हैं उनके लिए है, बहुत फ़ोटोज़ लवर सबके लिए गार्डन परफेक्ट है एकदम। गेम्स जो खेलते हैं उनके लिए, जो नेचर के लवर है उनके लिए, जो फ़ोटोज़ के लिए उनके लिए, और जो वॉकिंग जॉगिंग करते हैं उनके लिए, और जिसको मतलब यहाँ पे आके सब पीसफुल अलोन शांति चाहिए उसके लिए, बहुत सही जगह है। कसम से बता रहा हूँ, मैं आज जिस रिकॉर्ड करते करते हुए थक गया हूँ कसम से, पीसफुल जगह ख़त्म अब हुई जाके। तो चलो अब डायरेक्ट चलते हैं घर पे, फिर आपको अब डायरेक्ट घर पे मिलते हैं गार्डन को बाय बाय करते हुए। मेरे आँख में पानी आ रहा है, इतना मस्त गार्डन मैंने, इतना बड़ा। अब मेरे को कुछ भी टाइम मिले चाहे ना मिले, मैं सोच रहा हूँ रोज़ का एक दिन एक घंटा यहाँ पे पीसफुल आके बैठूँ। शांत कितना है यहाँ पे, एक चीज़ का आवाज़ नहीं है। मेरी आवाज़ आप लोग कितनी प्रॉपर आ रही होगी, और सेकंड थिंग एक आवाज़ आ रही होगी नेचर की, बस इसके आवाज़ इधर किसी की आवाज़ ही नहीं। इतनी मस्त जगह है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो चलो चलते अब घर गार्डन को बाय बाय करके, क्योंकि क्लासेस वगैरह भी जाना है ना, आप लोग उधर भी क्लासेस में भी दिखाऊंगा। तो चलो चलते, आज बायो का लेक्चर है। हम लोग गार्डन में लास्ट टाइम इस पर चल रहे हैं, क्या सही लग रहा है इस पर चलने में, वाओ क्या सही लग रहा है। अरे पूरा पानी पानी है इसके अंदर, पानी ऑब्जर्व कर लिया इसने पूरा भाई, बहुत सही लग रहा है। कत्ते ही जहर। वॉचमैन अंकल देख रहे हैं, चल जल्दी यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल चलो चलते घर पे। तो गाइस फाइनली हम लोग एग्जिट, मतलब एंट्रेंस और एग्जिट तो एक ही बना, तो हम लोग इस तरफ वाले रास्ते पे पहुँच चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं घर पे। तो चलो बाय। और गार्डन बहुत अच्छा है, हम लोग ने देखा, बहुत सही लगा मुझे गार्डन। मेरे तरफ से तो 10 out of 10 दे रहा हूँ, आप लोग एक बार कमेंट बताना कितना दोगे आप लोग 10 out of 10 इसको। वहाँ से आ गया था, और अभी जा रहा हूँ मस्त क्लास, फटाफट रेडी होके। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं टिकटॉक स्टाइल में, 1 2। तो मैं फटाफट रेडी हो गया, और अब चलते निकलते क्लास के लिए। ऑलरेडी मैं 16 minutes लेट हूँ, हमेशा मैं 1000 लेट क्यों होता हूँ मुझे नहीं समझ में आता। तो चलो फटाफट निकलते। छोटा ही है। अभी मैं मेरे फ्रेंड लोग के साथ थोड़ा गया था घूमने, नाश्ता वगैरह करने, नाश्ता वगैरह करके आ गया। अब मस्त थोड़ा सा खाना वगैरह खाएंगे और सोएंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैं भी थक गया हूँ पूरा। तो मैं वैसे भी अभी 10:30 बज रहे हैं, वैसे भी मैं पाते थे वहाँ पे फ्रेंड लोग थोड़ा नाश्ता कर रहा था, मस्ती भी कर रहे थे, क्लास से छोटे तो कुछ खाने का मन किया, तो वहाँ पे गए समोसा वगैरह खाए। ये ब्लिंक हो रहा है, धब कुछ तो हो रहा है, मे बी मैं क्लास जा रहा था तभी भी हो रहा था। तो चलो फिर देखते कुछ करते। सो गाइस मैं तो वैसे मैं भी जा रहा हूँ सोने, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया, मेरे को बहुत नींद आ रहा है। मैं क्लास से आ गया था, थक गया था, थोड़ा रेस्ट किया, फिर से भी जा रहा हूँ, नींद आ रहा है, मेरे को बहुत गंदा होगा, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया। तो चलो जाके मस्त सोते हैं। और अगर आज का आप लोग गार्डन वाला व्लॉग अच्छा लगा तो एक बार लाइक करना, चैनल पर नहीं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और अपने हर फ्रेंड को शेयर करना। कल से व्लॉग डेली आएगा।